ये देखिए तिली का तेल, और ये देखो ये भी 5 किलो का सरफ है, 2 सरफ पैकेट लेके आए हैं लोग, इसको साफ करने वाला है, ये हार्पिक है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब का 3रा पेमेंट जो है हम लोग का आ चुका है, और उसी पैसे से आज हम चल रहे हैं शॉपिंग करने। साथ में देखो पूरी फैमिली है, और निकलते समय मम्मी का आशीर्वाद ले लेते हैं। खूब खुश रहो, सब खुश रहे, सब खुश रहे, ऐसे प्यार देते रहना, आप ही लोग की वजह से सब हो रहा है। आप लोग खूब अच्छे रहना और सुखी रहना, खूब फले फूले रहना। चलो गाइस, अभी देखो दरवाजा ऑलरेडी प्रेम जो है वो बंद कर चुका है, और अभी गाड़ी में बैठते हैं। और हमारा पेमेंट वो कहिए तो आएगा, तुम्हारा पेमेंट भी जल्दी आएगा। गाइस इसको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इसका भी फर्स्ट पेमेंट आ जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके यूट्यूब चैनल का, जाइए सपोर्ट करिए यार, अच्छा लगता है। नहीं बहुत अच्छा। चलो अभी अनलॉक करते हैं दरवाजा और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। बैठूं तो भाई, अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग घर से तो निकल चुके हैं, और घर से निकल के आ गए हैं लगभग देवरिया। कुछ काम था, एक सिम हमको लेना था। लियो प्रेम सिम? हाँ, सिम जेब में। एक वोडाफोन आइडिया का जो VI वाला सिम होता है ना, वही मैंने लिया है। और उसका ये बेनिफिट है ना कि 800 रुपए का रिचार्ज करने पे 1 महीने के लिए अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉल है उसमें, ठीक है। तो हमको अनलिमिटेड वाली चीज़ जो है डेटा वाली ना, वो बहुत पसंद आती है। इसमें क्या होता है ना कि मैं अपना वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और बहुत सारी चीज़ें कर लेता हूँ जिसमें कोई लिमिट नहीं होता है। अनलिमिटेड डेटा मिलता है, तो जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ 1 महीने के लिए, और 850 के आसपास का उसमें रिचार्ज लगता है। और ये पोस्ट पैड का सिम है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए हमको देवरिया आना पड़ा, और सिम भी हम लोग ले चुके हैं। और देवरिया से अभी हम लोग निकल रहे हैं हाटा, जो कि मम्मी की सहेली का घर है। वहीं पे हम लोग निकल रहे हैं, और बाकी आज वहीं से हम लोग शॉपिंग करेंगे। नहीं मम्मी? हाँ, वहीं से शॉपिंग होगा आज। हाटा से पहली बार, फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं हाटा शॉपिंग करने। अभी मम्मी के जो क्या बोलते हैं, सखी मम्मी बोले कि सहेली बोले, सखी फ्रेंड, सखी फ्रेंड। तो हमारे बचपन के सहेली है, उनका मतलब बहुत भारी किराना का दुकान है, तो किचन का सामान घटा है। तो हम लोग सोचे कि आज इस बार उन्हीं की दुकान से ले लेते हैं। अपने दुकान से लिए तो अच्छा रहेगा ना, और अच्छा रहेगा। लाडो मेरी, जो चीज़ आप लोग बाहर से खरीदते हो तो महंगा पड़ता है, और उनके दुकान पे है कि भाई अपना खुद का दुकान है, तो उसमें क्या होता है कि 200-300 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है हर एक सामान में। तो लोग बोलते थे कि मतलब बाहर से आप जो चीज़ लेते हो वो यहीं से ले लिया करो, ताकि मतलब आप लोग का कुछ बचत हो जाए। तो वो सही बोल रहे थे, क्योंकि पिछली बार हमने जो सामान खरीदा था 8000 रुपये का ना, तो लगभग अगर उनके दुकान से हम लोग लिए हो तो 1500 रुपये का बचत हुआ होता। तो इसीलिए वो गुस्साते हैं कि आप लोग बाहर से क्यों लेते हो जब घर का दुकान है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे उनके आदमी हैं, मेरे सहेली का, और बचपन का सहेली है स्कूल का, छोटे छोटे पर के। लड्डू चाहिए, लाडो को लड्डू जैसी दिख रही है, लड्डू चाहिए लड्डू। तो भाई अभी देखो रेडी हो गया है, अभी सामान जो है नोट हो रहा है गाड़ी में ही। चलो लिखो, चीनी लिख दीजिए, आपके भैया हिसाब से ले लेंगे। चीनी 10 किलो लिख लो 10 केजी। चाय पत्ती, और यहाँ पर मनी से लिख दीजिए पूरा। हाँ, सारा सामान लिखा गया है, इधर भी होगा ना जी। हाँ, इसके पीछे भी लिखा है। तो देखो भाई इतना सारा सामान लिखा गया है किराने का, अभी इसको हम भेजेंगे मौसा के पास। नहीं हाँ। ताकि वो सामान पहले से ही निकाल के रखे। हाँ। रहेंगे, सही है ना। अब मम्मी यहाँ देखिए क्या कर रही है, जो कि मौसा का किराना का दुकान है। और देखो भाई हम लोग का ना, देखो ये मार्केट से एक लड्डू खरीदे हैं मोतीचूर का, ये देखो जिसमें से एक मनीषा खा ली है। मम्मी क्या कर रही है पीछे? मम्मी रूनी का अमरूद काट रही है, अमरूद काट रही है मम्मी। बताओ गाड़ी में ही सारा काम हो रहा है हम लोग का। हम लोग का गाड़ी ना पूरा 5-star होटल है, लड्डू मिलेगा, पानी मिलेगा, अमरूद, सेब, सारा सामान सब इसमें मिलेगा, संतरा वगैरह सब कुछ है इसमें। इधर सेब है, सेब है, संतरा है, ये देखिए संतरा। हम लोग खाते खाते चलते हैं, वो देखिए पत्ता वाला रूनी है। तो भाई अभी का सीन ऐसा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं हाटा मार्केट में, और ये देखो यही हाटा मार्केट है जो कि यहाँ पर देख सकते हो, और विशाल वस्त्रालय के ठीक सामने यहाँ पर मनीषा ये टोपी खरीदने के लिए, ये पसंद की है मनीषा भाई ने, और इसको ये वाला टोपी चाहिए, अच्छा लगता है ये। हाँ, मफलर वाला हम पहनेंगे, ट्राई करें, करिए, हमारे में हो ही नहीं रहा मेरा। नहीं होगा, मनीषा पहन के दिखाओगी कैसे लग रहा है? सुबह सुबह जाती है 7 बजे कोचिंग, कहाँ गए अभी इसका मुँह। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? सही है। हाँ, सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मस्त है, पतला है, बहुत नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 3 हम लोग जुराफ लिए हैं, एक मम्मी जी के लिए, एक मनीषा बने, एक मेरे लिए, और अपने लिए ऑलरेडी ये ले चुकी हैं मफलर।
लीजिए मनीषा बहनी, और ये हम लोग के पास रहेगा। तो भाई चलो, मनीषा रास्ते भर टोपी टोपी चिल्ला के आ रही थी। नहीं अभी टोपी खरीदा गया इनका, बोल रही थी कि टोपी हमारा खरीद दो, टोपी खरीदो। टोपी जो है फाइनली इसका ले लिया गया है। हाटा मार्केट में आए हैं ना, तो मम्मी देखी एक दुकान, तो बोल रही है वहीं पे चल के ले लिया जाए। और यहीं से थोड़े दूर और आगे, वहाँ पे सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, वहीं से थोड़े दूर और आगे मौसा जी का दुकान है, जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। सामान वगैरह वहीं पे गाड़ी में डिक्की में भर देंगे। तो भाई साहब अभी का सीन ऐसा है कि हम आ चुके हैं मौसा जी की दुकान पे, और यहीं पे थोक का सामान वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो देख सकते हो भाई साहब, बैल कोलू तेल हर सामान यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ से कुछ सामान लेंगे, और एक और दुकान है मार्केट में, वहाँ पे फुटकर सामान मिलता है, जो कि चीनी सरफ साबुन तेल वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। और मोटा मोटा जैसे दाल हो गया, बैल कोलू तेल हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो जो मोटा वाला सामान है यहाँ से ले लेते हैं, और बाकी का सामान फिर वहाँ से लेंगे। तो भाई देखो इतना सारा सामान है, जो भी किराना का छोटा सामान था ना फुटकर वाला, जैसे चीनी हुआ सरफ हुआ 10-10 किलो सब लिखवाए थे, वो इसमें है। और बाकी ये देखो 30 किलो दाल लिए हैं, जो कि बढ़िया वाला है। और यहाँ पे 5 लीटर तेल, और एक रिफाइन है देखो ये नीचे, टीना का फॉर्चून का रिफाइन है ये वाला। और यहाँ पर कुछ सामान हैं, जो कि गर्म मसाला हुआ, मिर्चा हुआ, सारा सामान ये है। तभी इसको चल रहे हैं गाड़ी के अंदर रखने के लिए। पूरा सामान जो है ना डिक्की के अंदर रख दिए हैं, देखो सारा सामान अभी फुल हो गया है। जितना किराना का सामान लेना था सब कुछ अभी पैक हो गया है। तो अभी चलिए वो डिक्की को बंद करते हैं। भाई अभी का सीन ऐसा है ना कि हम लोग सामान वगैरह सब कुछ लेके और घर के लिए निकल चुके हैं, और अभी देखो गाड़ी में है, और पूरी फैमिली हमारी थक चुकी है, ठीक है। और फिलहाल हम ड्राइविंग कर रहे हैं, और आपको टाइम दिखाऊं तो यहाँ पर देखो 12:45 हो रहा है, लगभग 1 बज रहे हैं, यानी आधी रात से भी ज़्यादा हो चुका है। और ये देखो कुहा कितना है, गाड़ी भी सही से नहीं दिखाई दे रही है, बहुत आराम आराम से चला के लेके आ रहे हैं। और पीछे देखो मनीषा सो गई है। नहीं मेरी लाडू भी सो गई है, लाडू सो गई है, मनीषा सो गई है, जग गई लाडू जग गई। अच्छा, जग। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी का टाइम जो है लगभग 6 बज चुके हैं, और कल रात को हम लोग आए थे ना, तो घर आने के बाद से इतना ज्यादा थकान हो गया था, क्योंकि घर आते आते लगभग 1:30 बज चुका था, और सोते सोते 2 बज चुका था, यानी 2 बजे रात को हम सोए, यानी सुबह लगभग हो चुका था। और सोए हैं, सो के लगभग 10-11 बजे उठे हैं। और वैसे आज का जो ब्लॉग है ना, जो माई फर्स्ट पेमेंट वाला, वो काफ़ी लेट से छूटा है, जो कि लगभग 1:30 बजे के करीब में। और ये ब्लॉग अभी से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि टाइम अभी 5:20 हो रहा है, यानी 6 बजने वाला है। और देखो इधर, और इधर देखो कितना शाम हो चुका है, हर जगह थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका है। मम्मी अभी जा रही थी पूजा करने, शाम हो गया है ना, तो अब दिया बत्ती नहीं जलेगा मंदिर में। हाँ, तो वही अब हाथ पैर धो के जा रही थी दिया जलाने के लिए। और लाडू पता नहीं क्या बोल रही है, लाडू कहाँ है, लाडू हाँ कहाँ है, बोल दो अंकल लोग से बोल दो कहाँ है लाडू। हेलो अंकल जी, चॉकलेट चाहिए हमको, क्या चाहिए, मांग लो चॉकलेट, मांग लो चॉकलेट, मांग लो। हेलो बुआ जी, हेलो अंकल जी, क्या चाहिए लाडू। हम लोग का जो भी सामान कल मार्केटिंग किए थे ना, वो अभी तक गाड़ी में ही है। तो चलो अभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, इधर गाड़ी को अनलॉक करते हैं, खोलो गोविंद। और देखो जिस हिसाब से सामान हम लोग का था ना, वैसे ही पड़ा है, तो इसको अंदर ऐसे कर दो, चलो ये टप निकालो। हाँ प्रेम, ले चलो अंदर इसको। सामान हो गया, अभी बंद करते हैं इसको। उसको जितना सामान हम लोग गाड़ी से निकाले हैं, सारा का सारा सामान यहाँ पे ला के रख दिए हैं। तो भाई जो कल हम लोग शॉपिंग किए थे ना, सारा सामान देखो यहाँ पर, 10 पैकेट नमक, फॉर्चून का 15 लीटर का तेल, और यहाँ पर देखो ये 30 किलो का रहर का दाल है, 5 लीटर बैल कोल्लू है, ठीक है। और भी बहुत सारा सामान है, एक बोरा आटा लेके आए हैं लोग। और इसमें ना जो छोटा छोटा सामान था वो इसके अंदर है, ये देखो 5 किलो का सरफ है ये पैकेट का, ठीक है, जिसको ये फ्री मिला है टॉप। ये देखिए तिली का तेल, और ये देखो ये भी 5 किलो का सरफ है, 2 सरफ पैकेट लेके आए हैं लोग। इसको साफ करने वाला है, ये हार्पिक है, 2 हार्पिक है, और ये मुड़ी में लगाने वाला, ये बाल में लगाने वाला ऐसे करके, और ये साफ करने वाला है बाल को। ओ भाई साहब, ये देखो ये मीट मसाला है गोल्डी का। ये देखो भाई चाय पत्ती है, 2 पैकेट टाटा का। हाँ, ये चना है, चना है,
ये पीताम्बरी है, पीतल धोने वाला है। ये देखो गोल्डी का, ये क्या है, हल्दी है ना, और चना है। और ये क्या है, बेसन। अच्छा ये बेसन है। और ये क्या है, हाँ ये बेसन है, बेसन का पता ही है, तेज पात है। ये क्या है, गीला धूप। गीला धूप, हाँ इस पे लिखा है गीला। अच्छा गीला धूप ये है, देखो नवरत्न तेल एक तो आया है ये वाला, ये भी मीठी मसाला है, दो ठो मीट मसाला, हल्दी का पैकेट, दो ठो हल्दी का पैकेट, एक हल्दी का पैकेट, दो नहीं तीन चार है, हल्दी का एक पैकेट, एक ये वो दबाया है सलमान, ये है हल्दी का दो पैकेट है। और यहाँ देखो ये सब चीनी है, चीनी ये 10 किलो का चीनी है, 10 किलो पूरा। ये देखो कुछ चीनी यहाँ पे फट चुका है, देख रहे हो ना, चीनी को। एक किशमिश है भोग लगाने वाला, किशमिश है इसमें, हाँ भोग लगाने। ये गीला धूप है और ये सूखा धूप है, ये सब मम्मी का पूजा का सामान है, पूजा का सामान है, हम पहले लिखवाए हैं। और भाई एक देखो ये मम्मी मध मंगाई है, हाँ हनी पेड़ पर पेड़ से उतार के लेके आए हैं हम इसको। ये सारा डब साबुन है, 12 डब साबुन है एक दर्जन। तो इतना सारा शॉपिंग हम लोगों ने कल गए थे मार्केट से खरीद के लेके आए हैं, सामान जो है यूट्यूब के पैसे से हम लोग खरीदे हैं, और लगभग 12,000 रुपए का कल शॉपिंग हुआ था। तो चलो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कराइएगा, चल जाइए परसों इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगेगा, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए।